Poetry Live, a platform to sharing your thoughts. तो वृंदावन को कृष्ण कन्हैया बैठे कदम की डार और सखियन के संग रास रचावे अपनो नंद गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अरे हे मुरारी कृष्ण मुरारी राधा के प्यारे मनिहारी गोकुल की गलियन में जमुना के ईर्ती गई है चरावे कृष्ण मुरारी गौए चरावे कृष्ण मुरारी हाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद कस्टम सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स के अधिकारी अपनी कड़ी मेहनत से करों का संग्रह करके देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं और इस जटिल और तकनीकी सेवा के बीच क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये अधिकारी सुर और ताल के साथ थिरक सकते हैं या सुरीली आवाज में गाना गा सकते हैं यदि विश्वास नहीं होता है तो गुलाबी नगर के बिड़ला ऑडिटोरियम के ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं जहां पर देश भर से आए कस्टम एक्साइज और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कला और अपने रंगमंच के अभिनय का इतना शानदार प्रस्तुतिकरण किया कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई इस कार्यक्रम के समापन के बाद इसके आयोजक और अधिकारियों ने क्या कहा इसके बारे में आइए जानते हैं ऐसा आप लोगों ने देखा होगा पिछले दो दिनों में जो कस्टम एक्साइज जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिया नृत्य के क्षेत्र में ड्रामा के क्षेत्र में वास्तव में उल्लेखनीय था और यहाँ पे जिस तरह से लोगों ने उसका उत्साह बढ़ाया ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जनरली ये माना जाता है कि और महसूस किया जाता है कि जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं मात्र टैक्सेशन अधिकारियों में लगे रहते हैं ऐसा नहीं है एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है हम लोगों को अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो जयपुर में जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये देश के विभिन्न क्षेत्रों से अधिकारी आए थे ईस्ट जोन वेस्ट जोन नॉर्थ जोन और साउथ जोन और सबका जो प्रदर्शन था अति उल्लेखनीय था और प्रशंसनीय था हमारे टैक्सेशन ऑफिसर जो कि बड़े बिजी रहते हैं फिर भी अपनी जो उनकी कला का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है ये काबिले तारीफ है और मतलब इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और जैसे राजस्थान में आए हैं तो इससे हमारे राजस्थान को भी एक फायदा होगा कि ये अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे लोगों को यहाँ की खूबसूरती यहाँ की हॉस्पिटलिटी उसके बारे में बताएंगे तो हमारा टूरिस्ट भी यहाँ का बढ़ेगा टूरिज्म भी बढ़ेगा हम सभी को इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं जो हमारी टीम के जितने भी हमारे कन्वीनर थे हमारे एक एक मेंबर हम कह सकते हैं कि हमारे हवलदार से लेकर के कंटिजेंट स्टाफ तक और स्पेशली मैं अभी कहना चाहूँगा कि हमारी जो महिला अधिकारी हैं उन लोगों ने जिस तरीके से स्टेज के पीछे रहते हुए जो मैनेज किया है ये लगता है कि जैसे हम लोगों का लगभग एक महीने से हम लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी थी वो पूरा सफल हो गया और आप लोगों से सुनकर जो प्रशंसा और अभी हम लोगों से बातें कई लोग आकर कह रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ तक जो कि देश के अलग अलग भागों से जो पार्टिसिपेंट आए हैं वो जो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है और जैसा कि सर ने भी बताया है कि इससे न सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट का पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ता है एक तो ये जयपुर जो कि अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है राजस्थान पूरा ही और जयपुर विशेष रूप से और दूसरा ये मार्च का महीना था जो कि हमारे लिए राजस्व के वसूली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है और हम यहाँ पर इसकी तैयारी करते करते भी और आयोजन के बीच में भी ऑफिस के फाइलें भी यहाँ निपटा रहे थे तो इतने व्यस्त उसके अंदर हम जिस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कर पाए यह जो आयोजक करता है जो हमारे विभिन्न टीमें थी उनके जो कार्यकर्ता थे हमारे जो अधिकारी थे कर्मचारी थे उन सब के अथक परिश्रम और उनके निष्ठा के बिना यह संभव नहीं था इट वॉज़ अ ऑसम एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा रहा सब लोगों की हमारी बहुत मेहनत है स्पेशली हमारे चीफ कन्वीनर जी की और इन्होंने बहुत मेहनत करी है और अभी हमारी काफ़ी सारी टीम्स इन्वॉल्व थी इस काम के लिए और सारे हमारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे सब ने बहुत ही मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेस किया इट वॉज़ एन ऑसम एक्सपीरियंस अगर आपको
वास्तव में बताना चाहूँ तो ये हमारी उम्मीद से 100 गुना ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम हुआ। और हमारे डिपार्टमेंट के लोग, हमें उम्मीद नहीं थी कि डिपार्टमेंट में ऐसी प्रतिभाएं छुपी हुई है। आप क्लासिकल देखिए, आप सोलो डांस देखिए, आप ड्रामा देखिए, तो इसमें जजेज की भी जो आंखों में आंसू आ गए, तो इतनी अच्छी प्रतिभाएं आई और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा ये। इसमें क्या जजेस के भी रिव्यूज इतने अच्छे आए, स्पेशली फॉर ड्रामा। उन्होंने ये बोला कि मतलब ऐसी प्रस्तुतियां हमारे सामने आई हैं कि हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए, और वो एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्रस्तुतियां हमारे सामने आई हैं। ये जो भी हमारे जजेस थे, ये सारे हमारे जयपुर के ड्रामा के और डांसिस के और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वगैरह जितने भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम थे, उनके सबके बेस्ट से बेस्ट हमने जजेस को लाने की कोशिश करी है, और उनके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे। और हम लोग खुद इतने हैरान हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतना अच्छा, और हमारे डिपार्टमेंट के लोग इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो CGST जयपुर जोन ने कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा किया, और इसका गवाह बना यहाँ पर हर जोन, जिसके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। देश भर से आए हुए प्रतिनिधियों और मेहमानों ने यहाँ की मेहमान नवाजी को जमकर सराहा, और यहाँ जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ उसको सभी ने यादगार बनाया। कैमरामैन एहसान अली के साथ BK शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। City Live, a platform to sharing your thoughts.